दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि आप किसी से पहली मुलाकात में ही इम्प्रेस हो जाएं और अगले ही दिन आप सामने वाले के अच्छे दोस्त भी बन जाएं और फिर कुछ समय बाद लव बर्ड्स। टुडे टेली चक्कर इन द सेगमेंट तेरी मेरी कहानी विल टॉक अबाउट वन सच पेयर ऑफ टेली टाउन हुज फर्स्ट मीटिंग वाज एग्जैक्टली द सेम एंड दे बोथ टुगेदर मेक अ परफेक्ट मैच। हम बात कर रहे हैं गॉर्जियस ब्यूटी कीश्वर मर्चेंट एंड हैंडसम डैशिंग सुयश राय के बारे में। Somebody has rightly said that first impression is always a last impression, and in the love story of Kishwar and Suyash, it has already been proven. Showbiz दुनिया के इन दो सितारों की मुलाकात किसी पिक्चर के सीन से कम नहीं थी। For the first time, they met on the set of प्यार की ये कहानी on January 9, 2011, जहां किशोर अपने सीरियल के लिए शूट कर रही थी, तो वहीं सुयश सेट पर अपने कुछ दोस्तों से मिलने आए थे। किशोर ने पहली बार सुयश की आवाज सुनी थी जब सुयश विवियन डेसना को अपनी आवाज में एक गाना सुना रहे थे जो उन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया था। बस फिर क्या था, सुयश की आवाज किशोर के दिल में ऐसे घर कर गई कि वो अपने आप को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाई। आफ्टर दिस इंसिडेंट दे बोथ एक्सचेंज देयर बीपी पिंस एंड द होल नाइट दे स्पोक टू ईच अदर ऑन फोन। पूरी रात फोन पर बात करते हुए किशोर और सुयश के बीच एक इंस्टेंट कनेक्शन बन गया था। एक इंटरव्यू में किशोर ने ये भी खुलासा किया था कि उस दिन दोनों ने सुबह 7 बजे तक चैटिंग भी की थी। अक्सर इतनी लंबी बातों के बाद दो लोग डेट पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन इनकी लव स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किशोर और सुयश अपने इस लंबी चैटिंग के अगले दिन से ही रोज मिलने लगे थे। सुयश स्टार्टेड एकम्पनिंग किशोर ऑन हर सेट ऑन डेली बेसिस। डेली सेट पर जब भी सुयश आते थे तो विवियन को लगता था कि वो उनके लिए सेट पर आते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला दिल का था और विवियन को इस बारे में लंबे समय तक कुछ भी नहीं पता था। इतनी अच्छी ट्यूनिंग के बाद किशोर और सुयश फाइनली डेट करने लगे और अपने रिश्ते के बारे में सबको बताया। हालांकि इन दोनों का कहना है कि शादी के लिए इन्होंने एक दूसरे को कभी भी प्रपोज नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके बीच का प्यार कितना गहरा है। लेकिन इनकी भी लव स्टोरी इतनी आसान नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला तक कर लिया था। बींग 7 years ओल्डर देन सुयश एंड ड्यू टू द सोसाइटल नॉर्म्स, किशोर वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट सुयश एज हर पार्टनर। सुयश किशोर से 7 साल उम्र में छोटे हैं, जिसके चलते किशोर के कुछ दोस्तों ने यहाँ तक कह दिया था कि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। सोसाइटी और दोस्तों से इतने प्रेशर होने के चलते दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब प्यार सर चढ़कर बोलता है तो कोई कैसे अपने आप को रोक सकता है। फाइनली दे बोथ डिसाइडेड टू गो विद द फ्लो एंड रीयूनाइट। एक इंटरव्यू में सुयश ने एक किस्सा शेयर किया था जहां उन्होंने बताया था कि इतनी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग होने के बावजूद कैसे किशोर पूरे 1 घंटे तक लगातार रोई थी और उस दिन सुयश भी उन्हें कंसोल नहीं कर पा रहे थे। किस्सा ये था कि सुयश ने बहुत से पेपर्स के बीच किशोर के लिए एक रिंग रैप किया था और हर एक शीट पर सुयश ने हैंड रिटन प्रोमिसेस लिखे हुए थे। सुयश के इस रोमांटिक जेस्चर को देखकर किशोर इमोशनल हो गई थी और पूरे 1 घंटे तक रोई थी। एंड इन दिस अडोरेबल वे सुयश एक्सप्रेस्ड हिज डीपेस्ट लव फॉर हर लेडी लव किशोर। दे बोथ इवन एंटर द बिग बॉस हाउस इन season 9 एज गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड एंड देयर स्टिंट इन द शो वॉज हाईली अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस। दे स्टूड स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द शो एंड इवन इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग कपल। और फाइनली 16 दिसंबर 2016 में दोनों ने शादी कर ली अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के प्रेजेंस में, एंड टुडे दे आर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ देयर मैरिड लाइफ। आप सभी ने लव एट फर्स्ट साइट तो सुना होगा, लेकिन कनेक्शन इन फर्स्ट मीटिंग के बारे में शायद ही कभी सुना हो। लेकिन इनकी ये लव स्टोरी से हम यही कह सकते हैं कि प्यार के लिए कोई सही वक्त सही जगह की जरूरत नहीं होती। ये तो बस जज्बात हैं जो आंखों से दिल तक पहुंचता है और फिर जुबां पर आता है। आपका क्या कहना है इनकी स्वीट से लव स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल टेली चक्कर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.